बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू लेक्चर नंबर 32 ऑफ MTH 324 कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आज के लेक्चर में हम रिव्यू और कुछ एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर पे एक नज़र डालते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस को डिस्कस किया था। उसमें हमने बात की थी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होती है और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस क्या होती है। तो हमने देखा था कि अगर हम fn ऑफ z एक सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन लें तो ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी किसी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ जेड को पॉइंट वाइज इफ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देर एग्जिस्ट एम एम डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन एंड जेड such that fn of z minus f of z modulus less than epsilon o for all n greater or equal to m और z किसी region D में हो। तो फिर हम कहते हैं कि ये complex sequence of functions एफ एन ऑफ जेड कन्वर्ज करती है पॉइंट वाइज इन डी। अब इस कन्वर्जेंस में अगर ये एम ओनली डिपेंड करे एप्सिलॉन पे, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ जेड हो जाए, तो फिर इस कन्वर्जेंस को यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कहते हैं। अब सीरीज ऑफ फंक्शन में हमने देखा था कि सीरीज ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है अगर उसका कोरस्पोंडिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट हो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट हमने देखा था वो वेस्ट्रास एम टेस्ट था। इस टेस्ट की स्टेटमेंट कुछ यूं थी कि अगर समेशन के एफ के ऑफ जेड एक सीरीज हो कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ के ऑफ जेड की, तो ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी इन सम रीजन डी टू ए फंक्शन एफ ऑफ जेड। अगर हम पॉजिटिव नंबर्स की एक डोमिनेटेड सीरीज ऐसी फाइंड करें एफ के ऑफ जेड मॉडुलस लेस आर इक्वल टू एम के ओ फॉर के इक्वल टू वन टू एंड सो ऑन। फर्दर एम के से जो नंबर्स की सीरीज जनरेट हो रही है अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट हो तो इस केस में ये कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की जो सीरीज है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है इन डी। जैसे मैंने पहले बताया कि आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक बेसिकली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का रिव्यू है और इस रिव्यू में हम कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। सो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सब्जेक्ट जब हमने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन किया था और उनकी बेसिक प्रॉपर्टी स्टडी की थी। हमने कहा था कि ऐसे तमाम नंबर जो x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में हों, जिसमें एक्स वाई बोथ आर रियल एंड आयोटा इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन हो, इस टाइप के नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं।
इसमें हमारी ऑब्जर्वेशन ये थी कि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नेचुरल जनरलाइजेशन ऑफ रियल नंबर. अब कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की हमने बात की थी कि अगर हम सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सी ले लें तो सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सी विद इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम. कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन ये बिल्कुल वैसे ही डिफाइन होती हैं जैसे रियल नंबर की थी. जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते वक्त आपने रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करना है, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट. सेम केस सब्ट्रैक्शन के साथ था, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी इसी तरह हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डिफाइन की थी कि जब जेड वन को जेड टू से डिवाइड करना है तो आपने पहले ये देखना है कि जेड टू नॉन जीरो होना चाहिए एंड देन डिवीजन की कंडीशन के मुताबिक हमने जेड टू के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था एंड देन मल्टीप्लीकेशन की डेफिनेशन से डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन बनाई थी. इस स्टेज पे हमने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट किया था कि ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी जो रियल नंबर सिस्टम में होल्ड करती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में होल्ड नहीं करती. तो ये फर्स्ट डिफरेंस था जो हमने ऑब्जर्व किया था रियल नंबर सिस्टम और कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में. देन हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की एक अल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन देखी थी, जेड इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. ये पोलर फॉर्म थी कॉम्प्लेक्स नंबर की. इसमें आर की वैल्यू हम फाइंड करते थे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से और थीटा ये टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स प्रिंसिपल आर्गुमेंट था और ऑल आर्गुमेंट्स के लिए हम इसमें 2k π ऐड कर लेते थे. पोलर फॉर्म की जो मेजर एप्लीकेशंस वहां मैंने डिस्कस की थी वो ये थी कि पोलर रिप्रेजेंटेशंस हेल्प करती है टू फाइंड पावर्स, टू फाइंड रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन. कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद हमने कॉम्प्लेक्स फंक्शंस डिफाइन किए थे. कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हमने सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से सेट ऑफ रियल नंबर्स पे भी डिफाइन किए थे और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे भी डिफाइन किए थे. इसमें फर्दर आइडिया जो था वो ये था कि वन वैल्यूड फंक्शन और मल्टी वैल्यूड फंक्शंस का. तो वन वैल्यूड और सिंगल वैल्यूड फंक्शंस जो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करें कि एफ ऑफ जेड वन इक्वल टू एफ ऑफ जेड टू इंप्लाइज जेड वन इक्वल टू जेड टू. और फिर हमने देखा था कि ऐसे फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं जो वन वैल्यूड नहीं होते, मल्टीपल वैल्यूड होते हैं, उनको हमने मल्टीपल वैल्यूड फंक्शंस कहा था जिसकी एग्जांपल्स हमारे पास एफ ऑफ जेड जेड पावर वन ओवर थ्री है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये थ्री वैल्यूड फंक्शन है. अब कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के बाद हमने लिमिट का आइडिया स्टडी किया था कि लिमिट इन रियल एंड लिमिट इन कॉम्प्लेक्स इन दोनों का डिफरेंस क्या है. तो हमने देखा था कि अगर कॉम्प्लेक्स में हम लिमिट z टेंड टू z नॉट f ऑफ z लेते हैं से l के इक्वल तो इसके मीनिंग्स ये हैं कि f ऑफ z माइनस l मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए व्हेन एवर z माइनस z नॉट मॉडुलस इज लेस देन डेल्टा एंड ग्रेटर देन जीरो. हमने देखा था कि लिमिट इन रियल और लिमिट इन कॉम्प्लेक्स का मेजर डिफरेंस ये है कि जब भी आप रियल में लिमिट लेते हैं किसी पॉइंट पे तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है,
राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। अगर ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट करें और इनकी वैल्यू सेम हो तो फंक्शन की लिमिट एक्स नॉट पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी। बट कॉम्प्लेक्स केस में ऐसा नहीं था। कॉम्प्लेक्स केस में किसी भी पॉइंट जेड नॉट पे आपने लिमिट फाइंड करनी है तो इन्फिनिट मेनी डायरेक्शन से इस पॉइंट को अप्रोच करेंगे। अगर ये ऑल पॉसिबल पाथ्स के थ्रू लिमिट एग्जिस्ट करे और वैल्यू सेम आए तो फिर इस केस में हम कहते हैं कि एफ ऑफ जेड की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट जेड नॉट और लिमिट की वैल्यू एल है। लिमिट के बाद हमने डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट स्टडी की थी कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ जेड डिफरेंशिएबल होता है एट पॉइंट जेड नॉट पे अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट। अब डिफरेंशिएबिलिटी के आइडिया को जर्नलाइज किया था तो एनालिटिसिटी का आइडिया था और एनालिटिसिटी आपने देखा थ्रू आउट कोर्स में ये मेजर रोल प्ले करती है क्योंकि एनालिटिसिटी को यूज करके हमने सीआर इक्वेशन डिराइव की थी और एनालिटिसिटी कॉशीज थ्योरी फॉर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में भी यूज हुई। तो एनालिटिसिटी एट ए पॉइंट को हमने इस तरह डिफाइन किया था, ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज सेट टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट जेड नॉट इफ एफ इज डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट एंड एट एवरी पॉइंट इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। मीन्स ये कि फंक्शन जेड नॉट पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो और जेड नॉट का कोई नेबरहुड एग्जिस्ट करे कि उस नेबरहुड के हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो तो फिर इस एक पॉइंट जेड नॉट पे एनालिटिक होगा। एनालिटिसिटी इन ए डोमेन की बात करें तो किसी भी कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ जेड को हम कहते हैं ये एनालिटिक है इन ए डोमेन डी अगर ये फंक्शन एनालिटिक हो एट एवरी पॉइंट इन डी। अब एनालिटिसिटी के आइडिया को यूज करके हमने ये थ्योरम प्रूव किया था लॉपिटल रूल। सपोज एफ एंड जी आर फंक्शंस दैट आर एनालिटिक एट ए पॉइंट जेड नॉट एंड फर्दर सपोज एफ ऑफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो जी ऑफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो बट जी का डेरिवेटिव एट जेड नॉट नॉन जीरो है तो देन लिमिट जेड टेन टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड ओवर जी ऑफ जेड ये एफ डैश एट जेड नॉट ओवर जी डैश एट जेड नॉट के इक्वल है। और ये रिमार्केबल रिजल्ट हमने देखा था, काफ़ी जगह हमने यूज़ किया कि जब भी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आ जाते थे जिनकी लिमिट थ्रू फैक्टराइजेशन और थ्रू सम अदर टेक्निक फाइंड करना डिफ़िकल्ट होता था और फॉर्म ज़ीरो ओवर ज़ीरो या फिर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आती थी वहाँ हम इस रूल को यूज़ करते थे। अब एनालिटिसिटी से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स थी वो कुछ ये थी कि पॉलिनोमियल फंक्शंस इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होते हैं, साइन जेड इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है, कॉस जेड इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है और ई पावर जेड जो है ये भी इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक फंक्शन है। इसी तरह अगर रेशनल फंक्शन पी ऑफ जेड और क्यू ऑफ जेड गिवन हो तो इस टाइप के फंक्शंस एनालिटिक होते हैं इन एनी डोमेन डी दैट कंटेन नो पॉइंट जेड नॉट फॉर विच क्यू ऑफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जांपल इस टाइप के फंक्शन हमने स्टडी किए थे से जेड स्क्वेयर माइनस वन और जेड स्क्वेयर प्लस वन। तो ये फंक्शंस अगर इनकी नेचुरल डोमेन देखें तो सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस प्लस माइनस आयोटा है तो इस डोमेन के अंदर ये फंक्शंस एवरीवेयर एनालिटिक है।
एनालिटिसिटी से रिलेटेड नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट था वो ये था कि अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड किसी पॉइंट पे एनालिटिक है तो वो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएबल होने की वजह से वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस भी होगा। नेक्स्ट एनालिटिसिटी को यूज़ करके हमने कॉशीज रीमान इक्वेशन डिराइव की थी जो नेसेसरी कंडीशंस थी फॉर एनालिटिसिटी। सपोज एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट जेड, देन द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ यू एंड वी एग्जिस्ट एंड पार्शियल यू और पार्शियल एक्स इज इक्वल टू पार्शियल वी और पार्शियल वाई एंड पार्शियल यू और पार्शियल वाई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल वी और पार्शियल एक्स। तो यहाँ नोट करें कि अगर एफ ऑफ जेड एनालिटिक होगा किसी पॉइंट एक्स वाई पे तो ये इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी होगा, और अगर डिफरेंशिएबल है तो इस रिजल्ट के मुताबिक ये इस पॉइंट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई पे इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो इसकी एग्जांपल आप कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन लें, सपोज एफ ऑफ जेड जैसे हमने जेड स्क्वायर स्टडी किया था, तो इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करें तो वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स टू एक्स वाई आते हैं। तो यू की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वी की वैल्यू टू एक्स वाई थी, तो यहाँ से यू एक्स टू एक्स एंड यू का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस टू वाई। सिमिलरली वी एक्स इज टू वाई एंड वी वाई इज टू एक्स। तो ऑब्जर्व करें कि यू एक्स वी वाई के इक्वल है एंड यू वाई जो है ये माइनस हाफ वी एक्स के इक्वल है। तो ये फंक्शन एनालिटिक था, सो एनालिटिक होने की वजह से डिफरेंशिएबल था, और डिफरेंशिएबल है तो आपने देखा कि ये इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है जो वेल नोन कॉशीज रीमान इक्वेशन है। एनालिटिसिटी के बाद नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया था वो था हार्मोनिक फंक्शंस का। हमने कहा था कि कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन फाई एक्स वाई जो कंटिन्यूस हो और उसके फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें डी और लैपलास इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें, ऐसे फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन कहते हैं। दैट इज फाई फंक्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें पार्शियल टू फाई और पार्शियल एक्स टू प्लस पार्शियल टू फाई और पार्शियल वाई टू इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ मैंने आपको बताया था कि हार्मोनिक फंक्शन हैज़ एप्लीकेशंस इन पोटेंशियल थ्योरी। इस लेक्चर में हमने ये भी स्टडी किया था कि अगर एफ ऑफ जेड यू प्लस आयोटा वी एनालिटिक हो तो u भी हार्मोनिक फंक्शन होता है और v भी हार्मोनिक है, यानी एनालिटिक फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हार्मोनिक फंक्शंस होते हैं। इसका कन्वर्स हमने देखा था कि अगर आपको गिवन हो u हार्मोनिक है तो क्या हम एक v फाइंड कर सकते हैं सच दैट f ऑफ z इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v एनालिटिक हो जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर यस था कि अगर u हार्मोनिक गिवन है तो हम CR इक्वेशंस को यूज करके एक फंक्शन v फाइंड कर सकते हैं सच दैट f ऑफ z इज u प्लस आयोटा v इज एनालिटिक। इस केस में v को हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u कहते हैं। सपोज दैट u इज नोन टू बी हार्मोनिक इन ए डोमेन d, इफ इट इज पॉसिबल टू फाइंड अनदर रियल हार्मोनिक फंक्शन v सो दैट u एंड v सेटिस्फाइज CR इक्वेशंस इन d,
then V is called harmonic conjugate of U. Also, جب آپ یہ harmonic conjugate find کر لیں گے تو اس case میں جو F of Z U plus iota V بنے گا یہ analytic ہوگا in D. اب harmonic function polar form میں کس ٹائپ کی equations کو satisfy کریں گے. Suppose U is some function of R theta اور U اس equation کو satisfy کر رہا ہے. R square partial 2 U اور partial R2 plus R partial U اور partial R plus partial 2 U اور partial theta square equal to 0. یہ basically Laplace equation ہے polar form میں. تو اگر U اس Laplace equation کو satisfy کرتا ہے تو پھر U ایک harmonic function بن جاتا ہے. اور اس کیس میں بھی ہم نے study کیا تھا کہ اگر U harmonic given ہو تو ہم ایک function VR theta find کر سکتے ہیں جو اس U کا harmonic conjugate ہوگا اور F of Z which is U of R theta plus iota V of R theta یہ function analytic ہوتا ہے in given domain D. اب ہم harmonic functions کو use کر کے کچھ application study کرتے ہیں complex analysis کی. اس کے لئے ہم level curves کا idea define کرتے ہیں. A level curve of real valued function phi xy defined in a domain D is given by phi xy is equal to C where C is a real constant. For example, suppose phi xy given hai x square divided by 2 plus y square divided by say 3. یہ ایک real functions of two variable x y ہے. تو اب اس کی level curves جو آئیں گی وہ phi x y is equal to c ہوں گی. This implies x square over 2 plus y square over 3 is equal to c. اب یہاں اگر میں assume کروں کہ c positive ہے تو اس equation کو ہم rewrite کر سکتے ہیں اس form میں. Further اس equation کو rewrite کیا جا سکتا ہے اس form میں. اب نوٹ کریں کہ یہ ایک ایلپس کی ایکویشن ہے سینٹرڈ ایٹ اوریجن. اب اس ایلپس کا گراف آپ سکیچ کریں تو یہ اس ٹائپ کی ایلپس ہوگی فار فکس سی اور سی کو چینج کرتے جائیں تو سی کی ویلیو چینج کرنے سے ڈیفرنٹ ایلپس بنتی جائیں گی. تو یہ بیسیکلی ایک فیملی آف ایلپس ہے. اسی طرح آپ نوٹ کریں کہ اگر ہم فائی ایکس وائی سے ایکس سکوئر پلس وائی سکوئر لے لیں اور اب فائی ایکس وائی کی لیول کرز فائنڈ کریں تو یہ x square plus y square is equal to some constant c ہوگا. اگین ہم assume کرتے ہیں کہ c positive constant ہے اور c کی value r square ہے. تو یہ circle کی equation آگی centered at 0 0 and radius r. اب r کی different values کے لیے circle کو sketch کریں سے یہ r equal to 1 r equal to 2 r equal to 3 and so on. تو یہ ایک فیملی آف سرکلز آگئی فیملی آف کنسنٹرک سرکلز.
تو اس طرح آپ کو کوئی بھی فنکشن آف ٹو ویریبل دیا جائے تو آپ اس کی لیول کروز ڈیفائن کر سکتے ہیں. اب ارتھاگنل فیملیز کس ٹائپ کی فیملیز ہوتی ہیں؟ سپوز ٹو فیملیز آف کروز گیون ہے, فائی ایکس وائی از اکول ٹو سی ون اینڈ سائی ایکس وائی از اکول ٹو سی ٹو. ٹو فیملیز آف کروز فائی ایکس وائی از اکول ٹو سی ون اینڈ سائی ایکس وائی از اکول ٹو سی ٹو آر سیٹ ٹو بی ارتھاگنل اف ایچ کرو ان ون فیملی از ارتھاگنل ٹو ایوری کرو ان دا ادر فیملی. مینز یہ کہ اس فیملی کے کسی بھی ممبر کو دیکھیں اور اس فیملی کے کسی بھی ممبر کو دیکھیں تو یہ ارتھاگنل ہونے چاہیے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر از اکول ٹو آر اسکوئر ایک فیملی آف سرکلز لوں اور وائی از اکول ٹو ایم ایکس ایک فیملی آف اسٹریٹ لائن لوں تو ان کو آپ پروو کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں فیملیز ارتھاگنل ہیں. یہ سرکلز کی فیملی, اسی طرح اسٹریٹ لائنز کی ایسی فیملی جو اوریجن سے پاس ہوگی. اب نیکسٹ ہم کمپلیکس انالیسس کے حوالے سے ان ارتھاگنل فیملیز کو اسٹڈی کرتے ہیں. سپوز ایف آف زیڈ ایک کمپلیکس ویلیوڈ فنکشن ہے, یو ایکس وائی پلس آیوٹا وی ایکس وائی. تو اب اس کا جو ریئل پارٹ ہے یو ایکس وائی, اس کو اگر ہم ایکویٹ کر لیں سم کانسٹنٹ سی ون سے تو یہ ایک فیملی کرو آ گئی, اور اسی طرح وی ایکس وائی کو ایکویٹ کریں سم ادر کانسٹنٹ سے سی ٹو سے تو یہ سیکنڈ فیملی آف کروز آ گئی. اب یہ دونوں فیملیز آف کرو ارتھاگنل کب ہوں گی؟ ٹو فیملیز آف کرو یو ایکس وائی از اکول ٹو سی ون اینڈ وی ایکس وائی از اکول ٹو سی ٹو آر ارتھاگنل اف پارشل یو اور پارشل ایکس, پارشل وی اور پارشل ایکس پلس پارشل یو اور پارشل وائی, پارشل وی اور پارشل وائی از اکول ٹو زیرو. فار ایگزامپل شو دیٹ دی لیول کروز آف یو ایکس وائی از اکول ٹو ایکس اسکوئر مائنس وائی اسکوئر اینڈ وی ایکس وائی از اکول ٹو ٹو ایکس وائی آر ارتھاگنل. کلیئرلی یو اور وی ڈیفرینشیبل فنکشنز ہیں. تو اب ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ دونوں فنکشن جو گیون ہیں ان کی اگر ہم لیول کروز ڈیفائن کریں تو لیول کروز کی جو فیملیز ہیں کیا وہ ارتھاگنل ہیں یا نہیں ہیں. سو یو ایکس وائی از اکول ٹو سم کانسٹنٹ ریئل کانسٹنٹ سے سی ون لیں تو ایکس اسکوئر مائنس وائی اسکوئر اکول ٹو سی ون, یہ فرسٹ فیملی کی ایکویشن. اسی طرح وی ایکس وائی اکول ٹو سی ٹو لیں تو دس امپلائز ٹو ایکس وائی از اکول ٹو سی ٹو, یہ سیکنڈ فیملی کی ایکویشن آ گئی. اب نوٹ کریں کہ یہاں پہ اگر سی ون ہم نان زیرو لیں تو یہ ایک فیملی آف ہائپربولاز ہے. اسی طرح یہاں پہ سی ٹو کو نان زیرو لیں تو یہ فیملی آف ریکٹینگولر ہائپربولاز ہے. تو یہ دونوں ہائپربولاز کی فیملی ہے. اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ آیا یہ فیملیز ارتھاگنل ہیں یا نہیں. تو اس کے لیے پارشل یو اور پارشل ایکس فائنڈ کریں وچ از ٹو ایکس, پارشل یو اور پارشل وائی فائنڈ کریں مائنس ٹو وائی, پارشل وی اور پارشل ایکس فائنڈ کریں ٹو وائی, اینڈ پارشل وی اور پارشل وائی فائنڈ کریں تو وہ ٹو ایکس آ جاتا ہے. اب کنڈیشن دیکھیں تو ارتھاگنالٹی کی کنڈیشن یہ تھی کہ پارشل یو اور پارشل ایکس, پارشل وی اور پارشل ایکس پلس پارشل یو اور پارشل وائی, پارشل وی اور پارشل وائی, یہ ایکسپریشن زیرو کے ایکول آنا چاہیے. تو اس کے لیے پارشل یو اور پارشل ایکس
और पार्शियल वी और पार्शियल एक्स फाइंड करें, तो ये टर्म आएगी 4xy। इसी तरह पार्शियल यू और पार्शियल वाई, पार्शियल वी और पार्शियल वाई फाइंड करें, ये माइनस 4xy के इक्वल है, इन दोनों को ऐड करें तो पार्शियल यू और पार्शियल एक्स, पार्शियल वी और पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल यू और पार्शियल वाई पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई ये जीरो के इक्वल है। दिस इंप्लाइज फैमिलीज ऑफ लेवल कर्व्स आर ऑर्थोगोनल। अब हम हार्मोनिक फंक्शन से एक नया आइडिया डिफाइन करते हैं कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल का, क्योंकि हमने कहा था कि हार्मोनिक फंक्शंस की एप्लीकेशंस हैं पोटेंशियल थ्योरी में। तो कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है, इफ ए पोटेंशियल फंक्शन फाई एक्स वाई इज हार्मोनिक, ये गिवन है फाई इज हार्मोनिक इन सम डोमेन डी, देन देयर एग्जिस्ट ए कॉन्जुगेट फंक्शन साई एक्स वाई defined in D such that omega of z which is phi xy plus iota psi xy is analytic in D। तो ये कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फंक्शन हमने देखा जो इस फॉर्म में कंस्ट्रक्ट किया जाए ये एनालिटिक फंक्शन होता है इन D। ये आइडिया एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे आपको फाई एक्स वाई हार्मोनिक दिया जाता था तो हम कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट फाइंड करते थे सच दैट एफ ऑफ जेड से फाई प्लस आयोटा साई आर यू प्लस आयोटा वी ये एनालिटिक होता है इन डोमेन डी। अब इस कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल की एप्लीकेशंस आप फाइंड कर सकते हैं हीट फ्लो प्रॉब्लम में, जहां फ्लो टू डायमेंशनल हो, स्ट्रीम लाइन्स फ्लो में, फ्लूड मैकेनिक्स में इनकी हम एप्लीकेशंस देख सकते हैं। वहाँ पे अगर हम देखें हीट फ्लो प्रॉब्लम्स को तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग ये है कि हीट फ्लो करती है फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अब सपोज ये हाई टेम्परेचर है और ये लो टेम्परेचर है तो हीट फ्लो करेगी, ये फ्लो ऑफ हीट से। ये लाइन ऑफ फ्लो ऑफ हीट से तो यहां पे हमारे पास ये आइसोथर्म्स बनेगी। तो ये प्रॉब्लम स्टडी किया जाता है यूजिंग कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करें से ये हाई पोटेंशियल है, यहाँ पे लो पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस अब फोर्सेस की डायरेक्शन ये होगी तो ये लेवल कर्व्स हैं से फाई एक्स वाई इज इक्वल टू सी वन और इसी तरह यहां पे हमारे पास लेवल कर्व्स बनेगी से साई एक्स वाई इज इक्वल टू सी टू। तो इस टाइप की एप्लीकेशंस आपने देखी, हम हार्मोनिक फंक्शंस की स्टडी कर सकते हैं इन थर्मोडायनेमिक्स और इवन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक।
अब कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमने डिफाइन किए थे, ई पार जेड इज इक्वल टू ई पार एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा ई पार एक्स साइन वाई। इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो हमने ऑब्जर्व की थी उसमें कि अगर जेड वन जेड टू टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स लें देन ई पार जीरो वन के इक्वल होता है, और टू कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ई पार जेड वन ई पार जेड टू को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये रिजल्ट ई पार जेड वन प्लस ई तो ये रिजल्ट ई पार जेड वन प्लस जेड टू के इक्वल आता है। सिमिलर रिजल्ट हम रियल केस में देखते हैं कि ई पार एक्स वन मल्टीप्लाइड विद ई पावर एक्स टू इज इक्वल टू ई पार एक्स वन प्लस एक्स टू। सिमिलरली ई पार जेड वन और ई पार जेड टू ये इक्वल होता है ई पार जेड वन माइनस जेड टू, एंड ई पार जेड वन होल पावर एन इज इक्वल टू ई पार एन टाइम जेड वन, ये रिजल्ट ट्रू होता है फॉर एन इक्वल टू जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड सो ऑन। बट रियल में हम देखते हैं कि इवन ई एक्स पार अल्फा लें, अल्फा इज एनी रियल नंबर, तो ये ई पार अल्फा एक्स के इक्वल आता है। बट कॉम्प्लेक्स में ये रिजल्ट ट्रू है इफ एन इज एन इंटीजर। इसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन किया था कि कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ जेड इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड प्लस आयोटा टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ जेड। अब मॉडुलस ऑफ जेड को यूजली हम आर से डिनोट करते हैं, और आर्गुमेंट ऑफ जेड जो है ये थीटा नॉट प्लस टू एन पाई के इक्वल है, वेयर थीटा नॉट इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया था कि ये जो कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम है ये जर्नलाइज करता है रियल लॉगरिथम को। इन जनरल कॉम्प्लेक्स लॉग जो है ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है, ये मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि इसमें आर्गुमेंट मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन होता है, जिस वजह से लॉग ऑफ जेड भी जो है ये मल्टीपल वैल्यूड फंक्शन है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो हमने स्टडी किया था वो ये था कि अगर e पावर w z के इक्वल है तो यहाँ से w जो है ये कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ z के इक्वल होगा, विच इज नेचुरल लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस आयोटा टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z। अब कॉम्प्लेक्स लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने डिराइव की थी वो इस तरह से थी कि रियल लॉग में हम देखते हैं कि लॉग एक्स वन और एक्स टू, एक्स वन एक्स टू यहाँ पे पॉजिटिव रियल्स हैं, ये इक्वल होता है लॉग ऑफ एक्स वन माइनस लॉग ऑफ एक्स टू। सिमिलरली लॉग ऑफ एक्स वन इंटू एक्स टू ये लॉग ऑफ एक्स वन प्लस लॉग एक्स टू, एंड लॉग एक्स वन टू द पावर से एन ये n टाइम्स लॉग ऑफ x1 के इक्वल है। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सेम आइडेंटिटीज जो रियल या नेचुरल लॉगरिथम में होल्ड करती हैं वही आइडेंटिटीज कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम में भी होल्ड करती हैं। कॉम्प्लेक्स लॉग को यूज करते हुए हमने कॉम्प्लेक्स पावर्स डिफाइन की थी कि अगर अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो और जेड नॉन जीरो नंबर हो तो जेड पावर अल्फा की डेफिनेशन थी ई पावर अल्फा कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ जेड। इन जनरल क्योंकि कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ जेड इनफाइनाइट वैल्यूड फंक्शन है सो जेड पावर अल्फा इज इनफाइनाइट वैल्यूड फंक्शन। अब अगर अल्फा एक इंटीजर हो तो फिर z पावर n को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं e पावर n कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ z, और फर्दर इसको कॉम्प्लेक्स लॉग ऑफ z की डेफिनेशन यूज करके सिंप्लीफाई किया जाए तो ये फॉर्म जनरेट होती है। और इन केस अगर हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट ले लें तो z पावर n की ये वाली वैल्यू आती है, और इसकी इंपॉर्टेंस ये थी के प्रिंसिपल वैल्यू के कोरस्पोंडिंग ये जो z पावर n आता है ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। नेक्स्ट हमने कॉम्प्लेक्स
हाइपरबोलिक साइन और कोसाइन फंक्शंस डिफाइन किए थे और इनको यूज करके रिमेनिंग हाइपरबोलिक फंक्शंस डिफाइन किए थे। तो साइन हाइपरबोलिक जेड की डेफिनेशन थी ई पावर जेड माइनस ई पावर माइनस जेड डिवाइडेड बाई टू। सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक जेड की डेफिनेशन थी ई पावर जेड प्लस ई पावर माइनस जेड डिवाइडेड बाई टू। एंड टेंजेंट हाइपरबोलिक कोटेंजेंट सिकेंट और कोसिकेंट हाइपरबोलिक सेम वे में डिफाइन किए थे। यहाँ पे हमने डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जनरलाइज की थी रियल से कॉम्प्लेक्स केस में, और ट्रिग्नोमेट्रिक और हाइपरबोलिक इक्वेशंस भी सॉल्व की थी यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड कॉम्प्लेक्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। देन हमने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन स्टडी की थी। अब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का जो आइडिया है ये हमने डिवेलप किया था रीमान इंटीग्रल्स के पैरेलल, कि रीमान इंटीग्रल्स थ्रू समेशन डिफाइन किया जाता है। इसी तरह हमने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल बी इन टर्म्स ऑफ समेशन डिफाइन किया था कि इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड ये लिमिट नॉर्म ऑफ पी टेंड्स टू जीरो समेशन के वेरीज फ्रॉम वन टू एन एफ ऑफ जेड के डेल्टा जेड के इक्वल है, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम कहते हैं एफ इज इंटीग्रेबल ऑन सी। अब इस लिमिट की एग्जिस्टेंस की गारंटी कब होती है ये हमने इस रिमार्क में देखा था कि अगर एफ कॉन्टीन्यूस हो ऑन सी और सी स्मूथ और पीस वाइज स्मूथ कर वो तो अबव लिमिट मस्ट एग्जिस्ट करती है। अब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स को सॉल्व करने के लिए जो मेजर टूल था हमारे पास वो ये डेफिनेशन थी कि सी अगर हमारे पास एक स्मूथ कर्व हो, चाहे वो ओपन कर्व हो या क्लोज कर्व हो, और जेड ऑफ टी इसकी पैरामीटराइजेशन हो सी कर्व की, तो फिर इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड की वैल्यू आपने इस फार्मूले से फाइंड करनी है इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ जेड ऑफ टी जेड डैश टी डी टी। अब कंटूर इंटीग्रल्स की कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ये थी कि इंटीग्रल सी के एफ ऑफ जेड डी जेड के साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेट करेंगे एफ ऑफ जेड डी जेड को। फिर एफ प्लस जी का इंटीग्रल अलोंग सी ये इक्वल होता है इंटीग्रल ऑफ एफ प्लस इंटीग्रल ऑफ जी। एंड सिमिलरली अगर हम सी वन और सी टू पीस वाइज स्मूथ कर्व लें जो कनेक्टेड हूं थ्रू सम पॉइंट, तो इंटीग्रल अलोंग दिस होल कर्व सी ये इक्वल होता है इंटीग्रल अलोंग सी वन एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल अलोंग सी टू एफ ऑफ जेड डी जेड। देन हमने पॉजिटिव और नेगेटिव ओरिएंटेशन डिफाइन की थी कि अगर किसी भी कर्व को आप ट्रेस करें इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ पैरामीटर से, तो इंक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ पैरामीटर से जो कर्व ट्रेस होगी वो पॉजिटिवली ओरिएंटेड कर्व होगी, और अगर इसी कर्व को आप रिवर्स में ट्रेस करें तो ये नेगेटिवली ओरिएंटेड कर्व थी। तो सपोज सी कोई कर्व है एंड नेगेटिव सी इसकी इनवर्स कर्व है, तो इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड ये इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल अलॉन्ग माइनस सी एफ ऑफ जेड डी जेड के। अब इसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस की फर्दर प्रॉपर्टी स्टडी की थी काशीज थ्योरी में। अब काशीज थ्योरी जो थी वो डील करती थी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स को जिसमें सी जो है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व हो। इसमें सबसे जो बेसिक थ्योरम था वो काशीज थ्योरम था जिसके लिए हमने डी एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन ली थी, एंड रिकॉल के किसी भी डोमेन को हम सिंपली कनेक्टेड कहते थे अगर उस डोमेन में कोई होल ना हो, और अगर डोमेन में एक सिंगल होल आ जाए तो वो डबली कनेक्टेड डोमेन थी
एंड इसी तरह अगर एन माइनस वन होल्स थी किसी डोमेन में तो वो एनपली कनेक्टेड डोमेन्स थी। तो डी यहाँ पे एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन है एंड सी कोई भी क्लोज्ड कर्व है इन डी। अब अगर एफ एनालिटिक हो ऑन एंड विद इन सी, फर्दर एफ के डेरिवेटिव कंटिन्यूस हूं, तो फिर काशी ने प्रूव किया था कि इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड की वैल्यू जीरो होती है। अब इस काशी थ्योरम को जर्नलाइज किया था गुरसा ने और ये नेक्स्ट थ्योरम स्टेट किया था काशी गुरसा थ्योरम। काशी गुरसा थ्योरम में हमने डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी वाली जो कंडीशंस थी इसको रिमूव किया था, तो ये थ्योरम बना था काशी गुरसा थ्योरम। तो इसकी स्टेटमेंट में डी हमारे पास एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन है, सी एक क्लोज्ड कर्व है इन डी। अब अगर एफ एनालिटिक है ऑन एंड विद इन सी, तो फिर इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड की वैल्यू जीरो होती है। काशी गुरसा थ्योरम की एप्लीकेशन में हमने डिफरेंट टाइप्स के कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स दिए थे और हमने देखा था कि अगर एफ ऑफ जेड एनालिटिक है ऑन एंड विद इन सी, तो फिर ऐसे इंटीग्रल्स का आंसर अलोंग सी जीरो होता है। जहां पे हमने इस थ्योरम के कन्वर्स की बात की थी कि काशी गुरसा थ्योरम का कन्वर्स इन जनरल ट्रू नहीं है, काउंटर एग्जांपल वहां पे मैंने दी थी कि इंटीग्रल सी वन ओवर जेड स्क्वायर डी जेड और सी अगर हम यूनिट सर्कल ले लें तो इस इंटीग्रल का आंसर अलोंग दिस यूनिट सर्कल ये जीरो है, बट ये फंक्शन एफ ऑफ जेड जो वन ओवर जेड स्क्वायर है ये एनालिटिक नहीं है एट जेड इक्वल टू जीरो। सो ये कंडीशन जो है इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू जीरो ये गारंटी नहीं दे सकती कि एफ ऑफ जेड एनालिटिक होगा। फिर हमने सोचा था कि अंडर व्हाट कंडीशन इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू होगा, तो मोरेरास थ्योरम में हमने देखा था कि अगर इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड की वैल्यू जीरो हो और एफ ऑफ जेड कंटिन्यूस हो ऑन एंड विद इन सी, तो इस केस में एफ ऑफ जेड एनालिटिक भी होता है। तो ये पार्शियल प्रूफ था इसके कन्वर्स का, इन जनरल तो ट्रू नहीं है बट कंटिन्यूस फंक्शंस में काशी गुरसा थ्योरम का कन्वर्स ट्रू होता है। इसके बाद हमने इंडिपेंडेंस ऑफ पाथ का आइडिया स्टडी किया था कि किसी भी इंटीग्रल जो इस फॉर्म में हो, इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड, इसको हम कहेंगे कि ये इंटीग्रल इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है अगर इंटीग्रल का आंसर जस्ट डिपेंड करे कर्व सी के इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स पे, दैट इज जेड नॉट और से जेड वन पे, तो फिर इस इंटीग्रल को हम पाथ इंडिपेंडेंट कहते हैं। यहां पे हमने स्टडी किया था कि अगर एफ एनालिटिक है इन डोमेन डी और सी एनी कंटूर इन डी ले लें, तो इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड डी जेड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो जाता है। देन हमने काशी थ्योरी के टू इंपॉर्टेंट रिजल्ट स्टडी किए थे, काशी इंटीग्रल फार्मूला एंड काशी डेरिवेटिव फार्मूला। काशी इंटीग्रल फार्मूला कुछ इस तरह से था कि डी हमारे पास एक सिंपली कनेक्टेड डोमेन है और जेड नॉट एक पॉइंट इनसाइड डी ऐसा है, सपोज ये सी कर्व है और जेड नॉट इनसाइड सी भी है। अगर ये इंटीग्रेंड फंक्शन एफ ऑफ जेड और जेड माइनस जेड नॉट, जैसे आप देख रहे हैं कि ये एनालिटिक नहीं है एट जेड नॉट, बट ये एफ ऑफ जेड जो है ये एनालिटिक है ऑन एंड विद इन सी, तो इस केस में आप इस इंटीग्रल का आंसर एक सिंगल वैल्यू एफ ऑफ जेड नॉट से लिख सकते हैं कि इंटीग्रल सी एफ ऑफ जेड और जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इज टू पाई आयोटा एफ ऑफ
زیڈ ناٹ کے ایکول ہوتا ہے. ایسے پوائنٹ جن پہ فنکشنز انالیٹک نہیں ہوتے ان کو ہم نے سنگولر پوائنٹ ڈکلیئر کیا تھا. تو اگر یہ سنگولرٹی ان سائڈ سی آ گئی تو اس کیس میں آپ نے کوشی انٹیگرل فارمولا یوز کرنا تھا اور یہاں پہ زیڈ مائنس زیڈ ناٹ کی پاور 1 ہوتی تھی. اب اگر اس ٹرم زیڈ مائنس زیڈ ناٹ کی پاور 1 سے ایکسیڈ کر جائے تو اس کیس میں کوشی نے کوشی ڈیریویٹو فارمولا پروف کیا تھا کہ اگر سپوز اس ٹائپ کے انٹیگرل سالو کرنے ہوں ایف آف زیڈ اور زیڈ مائنس زیڈ ناٹ ٹو دا پاور این پلس 1 ڈی زیڈ تو اس کا آنسر 2 پائی آئیوٹا اور این فیکٹوریل ایف اینتھ ڈیریویٹو ایٹ زیڈ ناٹ کے ایکول ہے. یہاں پہ آبزرو کریں کہ اگر این کی ویلیو ہم 0 لیں تو یہ کوشی ڈیریویٹو فارمولا ریڈیوس ہو جاتا ہے کوشی انٹیگرل فارمولا میں. اور یہ رزلٹ ریمارکیبل تھا اس سینس میں کیونکہ یہ گارنٹی دیتا ہے کہ اگر کوئی فنکشن انالیٹک ہے کسی پوائنٹ پہ تو اس پوائنٹ پہ اس کے آل آرڈر کے ڈیریویٹیوز ایگزسٹ کرتے ہیں. دین ہم نے ٹیلر سیریز سٹڈی کی تھی کہ اگر سپوز ایف آف زیڈ انالیٹک ہے ان اے سرکولر ڈومین تو ود ان دس سرکل آف کنورجنس اس فنکشن کی سیریز ریپرزنٹیشن کچھ یوں ہوتی ہے ایف آف زیڈ از اکول ٹو سمیشن کے ویریز فرام 0 ٹو انفینٹی ایف کیتھ ڈیریویٹو ایٹ زیڈ ناٹ ڈیوائڈیڈ بائی کے فیکٹوریل انٹو زیڈ مائنس زیڈ ناٹ ٹو دا پاور کے. تو یہ بھی امپورٹنٹ ریزلٹ تھا کیونکہ یہ کسی بھی انالیٹک فنکشن کی سیریز ریپرزنٹیشن دے دیتا ہے ہمیں. اب ٹیلر سیریز کو جب ہم نے جرنلائز کیا تھا تو لارنٹ سیریز جنریٹ ہوئی تھی. اس کے لیے ہم نے انولر ڈومین سٹڈی کی تھی زیڈ مائنس زیڈ ناٹ ماڈولس از لیس دین سے کیپیٹل آر گریٹر دین سمال آر. تو اس انولر ریجن کے اندر کوئی بھی پوائنٹ لیں زیڈ تو اس پوائنٹ پہ جو فنکشن کی ویلیو ہوگی وہ اس سیریز ریپرزنٹیشن سے آپ فائنڈ کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ جو کانسٹنٹ اے کے ہیں یہ فائنڈ کرنے کا فارمولا یہ ہے اور اس میں سی جو ہے یہ ہم کوئی بھی کرو لیتے تھے کلوزڈ کرو ان سائڈ انولر. اس کے بعد ہم نے زیروز آف اے فنکشن کو ڈیفائن کیا تھا کہ سپوز ایف ہمارے پاس ایک فنکشن ہے تو زیڈ ایکول ٹو زیڈ ناٹ پوائنٹ کو ہم اس فنکشن کا زیرو کہتے ہیں اف ایف آف زیڈ ناٹ ایکول ٹو زیرو ہو. اب اگر ایف آف زیڈ ناٹ زیرو ہو بٹ ایف ڈیش ایٹ زیڈ ناٹ نان زیرو ہو تو زیڈ ناٹ کو ہم سمپل زیرو کہتے ہیں. اور فردر اگر ایف آف زیڈ ناٹ زیرو ہے ایف ڈیش زیڈ ناٹ زیرو اینڈ سو آن ایف این مائنس ونتھ ڈیریویٹیو ایٹ زیڈ ناٹ بی زیرو بٹ اینتھ ڈیریویٹیو ایٹ زیڈ ناٹ نان زیرو تو اس کیس میں زیڈ ناٹ جو ہے یہ زیرو آف آرڈر این بن جاتا ہے. اب زیروز کو ہم نے کریکٹرائز کیا تھا ایک تھیورم میں وہ کچھ یوں تھا کہ سپوز ایف ہیز اے زیرو آف آرڈر این ایٹ زیڈ ناٹ دین ایف آف زیڈ کو ہم ایکسپریس کر سکتے ہیں زیڈ مائنس زیڈ ناٹ ٹو دا پاور این انٹو فائی آف زیڈ میں ویئر فائی آف زیڈ انالیٹک ہوتا ہے ایٹ زیڈ ناٹ اینڈ فائی ایٹ زیڈ ناٹ کی ویلیو نان زیرو ہوتی ہے. اور اس کا کنورس بھی ٹرو ہے یعنی جب بھی کسی فنکشن کی یہ ریپرزنٹیشن گیون ہو ود فائی ان دو کنڈیشنز کو سیٹسفائی کرے تو ایسے فنکشنز کا زیرو ایگزسٹ کرتا ہے زیڈ ناٹ پہ اور اس زیرو کا آرڈر این ہوتا ہے. دین ہم نے سنگولرٹیز کو ڈیفائن کیا تھا کہ سنگولرٹی ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جس پوائنٹ پہ فنکشن انالیٹک نہ ہو. سنگولرٹیز کو ہم نے فردر جب کلاسیفائی کیا تھا تو سنگولرٹی ٹو ٹائپس کی ہوتی ہیں آئسولیٹڈ اور نان آئسولیٹڈ.
अब आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की फर्दर थ्री टाइप्स हमने डिफाइन की थी, जिसमें रिमूवेबल, एसेंशियल और पोल्स। ये तीन टाइप्स थी आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज की। इसमें जो इंपॉर्टेंट टाइप्स थी वो पोल थी। अब पोल्स हमने इस तरह डिफाइन किए थे कि अगर फंक्शंस की लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लें तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में टू पार्ट्स होते हैं। जैसे आप जानते हैं कि फर्स्ट पार्ट ये एनालिटिक पार्ट है और सेकंड पार्ट जिसमें सिंगुलरिटी आती है एट जेड नॉट वो प्रिंसिपल पार्ट है। अब अगर जेड नॉट सिंगुलर पॉइंट हो और जेड नॉट पे हम लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन फाइंड करें एफ ऑफ जेड फॉर्म में, और लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में प्रिंसिपल पार्ट कंप्लीटली रिमूव हो जाए, तो इस केस में जो सिंगुलरिटी थी वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी थी। इसी तरह अगर प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए, से एन आ जाए, तो इस केस में जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी थी वो पोल बन जाती है जिसका ऑर्डर एन होता है। और अगर प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ जाए तो सिंगुलरिटी एसेंशियल बनेगी। अब पोल्स की जो करेक्टराइजेशन थी वो इस थ्योरम में हमने की थी कि इफ एफ ऑफ जेड हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर एन एट जेड नॉट, देन एफ ऑफ जेड को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में, और इस रिप्रेजेंटेशन में जो फाई ऑफ जेड है ये एनालिटिक एट जेड नॉट एंड फाई एट जेड नॉट की वैल्यू नॉन जीरो है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट काशी थ्योरी का जो था वो रेजिड्यू का था, कि अगर हम कि अगर एफ ऑफ जेड की आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो एट पॉइंट जेड नॉट तो इस पॉइंट पे हम लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं, और इस पॉइंट के अबाउट जो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन आएगी वो इस फॉर्म में आएगी, ये एनालिटिक पार्ट हो गया और ये उसका प्रिंसिपल पार्ट है। अब प्रिंसिपल पार्ट में वन ओवर जेड माइनस जेड नॉट का जो कोफिशेंट था इसको हमने रेजिड्यू ऑफ एफ एट जेड नॉट डिक्लेयर किया था, और ये इसकी डिफरेंट नोटेशन थी रेजिड्यू की। अब रेजिड्यू एट ए पोल कैसे हम फाइंड करते थे, कि अगर जेड नॉट पे एक सिंपल पोल हो दैट इज पोल ऑफ ऑर्डर वन हो तो फिर रेजिड्यू ऑफ एफ एट जेड नॉट फाइंड करने का फार्मूला ये था, लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट जेड माइनस जेड नॉट इंटू एफ ऑफ जेड। और इन केस अगर पोल का ऑर्डर एन हो जाता है तो फिर रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू जेड नॉट इस फार्मूले से फाइंड किया जाता था कि रेजिड्यू ऑफ एफ एट जेड नॉट इज वन ओवर एन माइनस वन फैक्टोरियल लिमिट जेड टेंड टू जेड नॉट डी एन माइनस वन और डी जेड एन माइनस वन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन इंटू एफ ऑफ जेड। अब कॉशी रेजिड्यू थ्योरम यह था कि अगर इस डोमेन में फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलरिटीज आ जाए और ये सारी आइसोलेटेड हूं और सपोज सी ए क्लोज कर्व है जो इन ऑल सिंगुलरिटीज को कंटेन कर रही है, तो इस केस में एफ ऑफ जेड का इंटीग्रल अलोंग सी फाइंड करना हो तो ये टू पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज ऑफ एफ एट दीज पोल्स होगा। ये कॉशी रेजिड्यू थ्योरम था। हम कॉशी रेजिड्यू थ्योरम को यूज करके हमने रियल इंटीग्रल सॉल्व किए थे, जो मेजर एप्लीकेशंस थी कॉशी रेजिड्यू थ्योरम की, डिफरेंट टाइप्स के रियल इंटीग्रल सॉल्व करना। इसके बाद जो फर्दर एप्लीकेशन आप रेजिड्यू थ्योरी की देख सकते हैं वो लैपलास इनवर्स फाइंड करने में भी रेजिड्यूज यूज होते हैं, कि लैपलास इनवर्स ऑफ सम फंक्शन एफ ऑफ एस अगर फाइंड करनी हो तो ये आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग
रेजिड्यू थ्योरम। अब इसकी फर्दर एप्लीकेशन मींस लैपलास इनवर्स फाइंड करना या फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन करते हैं हम यूजिंग द आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। इसको आप नेक्स्ट किसी कोर्स में इन डिटेल पढ़ेंगे। तो ये आज के लेक्चर्स के रेफरेंसेस हैं। तो यहाँ तक हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का इंट्रोडक्टरी लेवल का कोर्स कंप्लीट होता है। अब इन लेक्चर्स में फर्दर आपको कोई डिफिकल्टीज हों या आप इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सजेशंस देना चाहें तो आप अपने स्टडी सेंटर के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।